आज के इस वीडियो में बात करेंगे कार्पलक्स एक्ट कैमूर जिले के बारे में, जो कि दोस्तों ऑफिशियल नोटिस में जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है 2019 के लिए, तो फिर ऑफिशियल पीडीएफ की संपूर्ण जानकारी जानेंगे और ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार होगा, क्या क्या जरूरी जानकारी है वो जानेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए पीडीएफ हमने डाउनलोड कर लिए हैं, डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट आप लोग को बताते हैं, इसलिए दोस्तों संपूर्ण वीडियो को देखिए सभी जानकारी के लिए। आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पीडीएफ पे आ गए, आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले जिला संग्रहालय कैमूर भभुआ, ठीक है, उसके बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे कार्पलक्स सहायक यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए आवश्यक सूचना। आप लोग का दोस्तों ये जो जॉब है संविदा पे आधारित है, और दोस्तों यहाँ पे कुछ इन जानकारी जो दी हुई है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पॉइंट नंबर वन पे आयु सीमा देख पाएंगे यूआर के लिए जो है मिनिमम 18 एज रखा गया है और मैक्सिमम जो 37। इसी तरह आप लोग देख लीजिए एससी एसटी ईबीसी बीसी सभी आप लोग का जो जो देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो गणना की जाएगी वो 1/12/2018 पर जो आधारित रहेगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ पाए आप लोग कमेंट कीजिए, अलग से एक वीडियो बना के बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दूंगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख पाएंगे नीचे बताया जा रहा है कि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए जो कोटि का अधिकतम सीमा जो है 10 वर्षों के लिए छूट दिया जाएगा, और 250% या उससे अधिक के विकलांगता का जो है सर्टिफिकेट आप लोग को प्रमाण पत्र देना होगा, तो ही जाके ये 10 वर्षों का छूट दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट पे देख पाएंगे न्यूनतम योग्यता आप लोग का 10th पास यानी मैट्रिक पास होना चाहिए, और आप लोग के पास जो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए एम एस वर्ड एम एस एक्सेल एम एस पावर पॉइंट इत्यादि बेसिक जानकारी होना चाहिए। और दोस्तों यदि आप लोग के पास बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो फिर बहुत बढ़िया। तो इंपॉर्टेंट बात आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जो बताया जा रहा है उनके पास निम्न हार्डवेयर होना चाहिए जिसका उपयोग उन्हें नियोजन कार्यालय में करना पड़ेगा। यदि आप लोग का जो है जॉब सेलेक्ट हो जाती है आप लोग पास हो जाते हैं उसके बाद आप लोग के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जो कि आप लोग को ले जाना होगा, और दोस्तों यहाँ पे जो जानकारी दी हुई है सारा आप लोग के कंप्यूटर में होना चाहिए। जैसे कि देख पाएंगे सीपीयू जो है आप लोग का इंटेल आई कोर 3 का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे चिपेस्ट इंटेल का होना चाहिए, और मेमोरी जो है कम से कम जो है 4GB आप लोग का होना ही चाहिए। इसी तरह देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप लोग का जो मानदेय यानी आप लोग का जो है सैलरी 11,345 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3 नंबर और 4 नंबर आप लोग अच्छे से समझिए पैनल वैधता, आप लोग का जो पैनल का वैधता होगी वो 3 वर्ष के लिए होगा, और दोस्तों आप लोग का जो नियोजन होगा आप लोग का 1 वर्ष के लिए, ठीक है। यदि आपका काम से वो लोग संतुष्ट रहेंगे तो फिर आप लोग का जो काम का जो वैधता है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे चयन का आधार किस प्रकार होगा। आप लोग का 2 एग्जाम होगा, पहला एग्जाम जो 50 अंक का होगा जो रिटर्न एग्जाम यानी लिखित परीक्षा में आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर से, और दोस्तों आप लोग का जो है 10th में जो भी पढ़े वो लोग वो से क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा एग्जाम जो आप लोग का हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा, दोनों का जो आप लोग का मार्क्स लाएंगे दोनों का मार्क्स ऐड करके फिर आप लोग का जो है आप लोग का मार्क्स दिया जाएगा, उसके अनुसार आप लोग का चयन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आवेदन भरने की प्रक्रिया दोस्तों कैसे करेंगे आप लोग को जो 17 तारीख एकदम फुल स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता देंगे, इसलिए वेट कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है 10/1/2019, ठीक है, अपराह्न 5 बजे तक 10 तारीख से पहले आप लोग जो आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग का जो है आवेदन का मान्य नहीं हो। अब दोस्तों 8वें नंबर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे क्या बताया जा रहा है, जिला पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। ये कैसे क्यों करेगा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, यदि मान के चलिए आप लोग का जॉब पक्का हो गया आप लोग काम भी कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों यदि आपसे असंतुष्ट हो किसी कारणवश, यदि आप लोगों ने कोई गाली गलौज या फिर कुछ भी इसी टाइप से जो गंदी हरकत हो करेंगे तो फिर इसीलिए इस तरह जो यहाँ पर लिखा गया, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट की कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए जिला संग्रहालय की, अब मैं आप लोगों को बता दूं ये जो वेबसाइट का लिंक है ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और जो पीडीएफ का लिंक भी दिया जाएगा, सारा कुछ का लिंक दिया जाएगा। आप लोग जो दोस्तों इस वेबसाइट में आ पाएंगे, आने के बाद आप लोग जो यहाँ पे क्लिक करेंगे अररिया पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कैमूर का यहाँ पे देख पाएंगे जो ऑप्शन आ गया है, लेकिन अप्लाई अभी नहीं होगा 17 तारीख को जो पूरी जानकारी साथ आप लोग को जो है अप्लाई करके बताएंगे, ठीक है। दोस्तों बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इतना ही जानकारी देना था, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को जानकारी पसंद आया होगा, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस फॉर्म को जो अप्लाई कर पाए। तो दोस्तों बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही था, मिलते हैं और एक वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।